आज हम आपको एक स्लीव का डिजाइन बताएंगे। इसमें हमने ये पॉम्पम यूज किए हैं, इस तरह हमने ये मैचिंग पट्टी लगा के, ये देखिए ये हमारा स्लीव का डिजाइन है। ये मैंने बहुत छोटे बच्चे की स्लीव बनाई है, आप इसे बड़ी काट के उसके आगे बड़े में भी बना सकते हो। तो ये देखिए मेरे पास स्लीव है, मैं आपको अभी बना के बताती हूँ। तो ये मैंने पॉम्पम बना लिए हैं। अब पॉम्पम बनाने का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी आपको, आप उसमें देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने ये स्लीव लेनी है और यहाँ से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे सिलाई भी आएगी हमारी। 1.5 इंच कपड़ा छोड़ के इसमें यहाँ पे हमने 1/2 इंच नीचे छोड़ के इस पे सिलाई लगानी है, ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते जाएंगे। 1 इंच का गैप छोड़ना है हमने। जब भी हमने पॉम्पम लगाना है आगे, तो आप इसे 1 इंच छोड़ के लगाएंगे। इसे पोटली बटन बोलते हैं, गोली बटन, सब तरह के अलग अलग नाम बोलते हैं सब लोग। ये हमने ये बटन्स यहाँ पे लगा लिए हैं जो हमने पोटली बटन बनाए थे। अब हम इसके ऊपर एक पट्टी लगाएंगे, इस तरह हम रख लेंगे और इसे उल्टी तरफ, इसे अब उल्टी साइड से हम लगाएंगे, क्योंकि हमें सिलाई का पता चलेगा कि हमने सिलाई कहाँ पे लगाई हुई है। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये सिलाई है जो इसके बिल्कुल ऊपर ऊपर चलेंगे। नीचे कपड़े का आपने ध्यान रखना है, ये कपड़ा बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए कपड़े के। इसे अब हम ऐसे पलटी कर देंगे ऊपर की तरफ, इसे हम बराबर कपड़ा रख के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये हमारी अब सिलाई लग गई है। अब हम इस पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, ज्यादा कपड़ा हम काट देंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखेंगे। इस तरह मैंने ये कपड़ा काट दिया, यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करके हमारी दोनों स्लीव्स इस तरह मैंने रेडी कर लिए। अब आप किसी भी कुर्ते में, शर्ट में, जैसे भी आपका सूट का होगा डिजाइन, आप उसमें इसे अटैच कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।